हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न फोर्थ स्टैंडर्ड ईवीएस टू मीन्स हिस्ट्री लेसन नंबर 12, दैट इज द सीज ऑफ पुरंदर एंड द ट्रिटी विद द मुगल एम्परर। सो स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सब आपके डाइजेस्ट का है। सो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये एक स्टूडेंट ने यहाँ पे मुझे कमेंट किया था कि इनको ये सारे लेसन चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट आपके लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। सारे लेसन का जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके, तो आपको वहाँ से अच्छे समझ में आ जाएगा। फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड इन द मुगल एम्पायर। सो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं। राइट ऑप्शन क्या है? सूरत, हमें पता है वहीं पे रेड डाली थी, अटैक किया था, तो बहुत सारे वहाँ से उन्होंने बहुत सारे वेल्थ लेके आए थे, ठीक है, अटैक किया था शिवाजी महाराज ने। डैश वॉज इन चार्ज ऑफ द पुरंदर फोर्ट, बाजी प्रभु, तानाजी, मुरारबाजी। तो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? मुरारबाजी, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन इज डैश गारंटीड शिवाजी सेफ हिज सेफ रिटर्न। तो थ्री ऑप्शन है यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे? जयसिंह। शिवाजी न्यू दैट द डैश क्या आएगा? एम्परर जयसिंह दिलेर खान। तो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? एम्परर यहाँ पे आएगा। सबके जो भी आंसर है यहाँ पे, जो अंडरलाइन आपको दिख रहा है वो सब आंसर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। मैच द पेयर्स स्क्रीनशॉट ले सकते हो हर क्वेश्चन का, या फिर आप वीडियो पॉज करके उसे लिख सकते हो अपने अपने वर्कबुक में, ठीक है, या फिर अपने जो भी आपने सब्जेक्ट बनाए हैं नोटबुक में। दिलेर खान किस में जाएगा ये मैच करना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए और इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दिलेर खान लेट सीज टू पुरंदर, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप खुद समझ में आ जाएगा किसका आंसर क्या है। नेम द फॉलोइंग पर्सन इम्प्रेस्ड बाय स्वॉर्डमैनशिप ऑफ मुरारबाजी। तो आंसर क्या आएगा? दिलेर खान। पर्सन हु रिफ्यूज सेफ्टी फ्रॉम द मुगल्स क्या आएगा यहाँ पे? मुरारबाजी। पर्सन इन्वाइटेड बाय शिवाजी टू ज्वाइन इन स्ट्रगल टू एस्टेब्लिश स्वराज। राइट ऑप्शन मिर्जा राजे जय सिंह। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज कंप्लीट द नेम्स फ्रॉम द लेसन विद द हेल्प ऑफ द गिवन फर्स्ट लेटर। तो आपको क्या करना है, ये ऐसा क्यों दिया जाता है? ताकि आपको जो वर्ड्स हैं, टफ वर्ड्स हैं, उसकी मीन आपको उसके स्पेलिंग्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको स्पेलिंग याद है तो आप अच्छे से बता सकते हो। अब देखो औरंगज़ेब का यहाँ पे है ए यू, तो आगे पूरा आपको ऐसे औरंगज़ेब लिखना है। पी यू पुरंदर, एम यू मुरारबाजी आपको पूरा लिखना है। जे ए तो आपको जय सिंह, ठीक है। डी आई पूरा दिलेर खान। और एक चीज़ ध्यान देना है, जितना यहाँ पे डैश है ना उतने ही वर्ड्स आने चाहिए, ठीक है। अब डी आई से तो आपके मान लीजिए कि आपके इस लेसन में और कई सारे इस तरीके से आए हैं, तो लेकिन आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि जितने यहाँ पे डैश डैश हैं उतने में ही वर्ड आ जाने चाहिए। काउंट करके देख सकते हैं आप, जितना यहाँ पे बाकी है उतना ही यहाँ पे वर्ड्स लेटर्स बाकी हैं, ठीक है। राइट द आंसर इन वन सेंटेंस ईच, एक सेंटेंस में आपको इसका आंसर लिखना है। व्हाई डिड शिवाजी कैरी आउट अ रेड ऑन सूरत। शिवाजी कैरीड आउट अ रेड ऑन सूरत बिकॉज औरंगजेब्स ट्रूप्स वर कॉजिंग डैमेज टू महाराष्ट्र एंड ही वॉन्टेड टू ब्रिंग द मुगल एम्परर टू हिज सेंसेस। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डिड दिलेर खान ले सीज टू द पुरंदर फोर्ट। दिलेर खान लेट सीज टू द पुरंदर फोर्ट बिकॉज ही वॉज अवेयर दैट शिवाजी कैन नॉट बी डिफीटेड एज लॉन्ग एज ही वॉज द मास्टर ऑफ पुरंदर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई डिड शिवाजी एंटर इन टू अ ट्रिटी विद द मुगल एम्परर। तो यहाँ पर लिखा गया है शिवाजी एंटर्ड इन टू अ ट्रिटी विद द मुगल एम्परर बिकॉज ही वॉज अवेयर दैट ही वॉज नॉट स्ट्रांग इनफ to fight the powerful Mughals. According to the treaty of Purandar, that territory was to be handed over to the Mughals. तो treaty Purandar के according यहाँ पे territory जो है, जो भी क्षेत्र है वो Mughals को hand over कर दी जाएगी. So यहाँ पे question पूछा गया, what territory ना, कौन सी territory उनको मुगलों को hand over कर दी जाएगी. तो उसके according, उस treaty के according शिवाजी agree होते हैं कि जो मुग़ल के मतलब 23 फोर्ट्स थे, 23 किले जो थे वो सब के सब उनको दिए जाएंगे और 400,000 हॉर्न्स जो भी रेवेन्यू है वो दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें ये वो एक्सेप्ट करते हैं ट्रीटी, ठीक है। गिव रीजंस यहाँ पे दिया गया है, उसका रीज़न आपको बताना है। मुरारबाजी रिफ्यूज टू बी टेम्प्टेड टू दिलेर खान बाय दिलेर खान्स ऑफ़र। क्यों रिफ्यूज़ कर देते हैं दिलेर खान के ऑफ़र को, जो कि बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा ऑफ़र था,
ललचाने वाला था, मतलब कह सकते ना किसी चीज़ की आप तरफ अट्रैक्ट हो जाए वैसा था वो ऑफर, फिर भी क्यों रिफ्यूज़ किया? मुरारबाजी वॉज अ लॉयल सर्वेंट ऑफ शिवाजी, ही डिड नॉट वॉन्ट फॉर एनी फेवर और जागीर फ्रॉम द एनिमी। ठीक है, इसीलिए अच्छा मुरारबाजी ने रिफ्यूज़ कर दिया था दिलेर खान के ऑफ़र को, है ना। तो यहाँ पे हमें पता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं चाहते थे, मतलब कि दुश्मनों की जागीर के मतलब कुछ भी नहीं चाहते थे, इसलिए मुरारबाजी ने रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ही लॉयल सर्वेंट थे शिवाजी महाराज के, उनका बहुत ही अच्छा मतलब कि बहुत एक बहुत कह सकते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट थे। शिवाजी डिसाइडेड टू साइन अ ट्रीटी विद मिर्ज़ा राजे जय सिंह। तो इसका क्या रीज़न था ये भी यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया, सेकंड पॉइंट दिया गया, आप आंसर देख सकते हो यहाँ पे। राइट द आंसर्स इन टू थ्री सेंटेंसेस ईच। व्हाट डिड दिलेर खान से टू मुरारबाजी ऑन सीइंग हिज वैलर। तो मतलब यहाँ पे बोला गया है व्हाट डिड दिलेर खान ने क्या कहा मुरारबाजी की वीरता बहादुरी देख के। दिलेर खान ने कहा अनटिल नाउ आई हैव नॉट सीन अ स्वॉर्ड्समैन लाइक यू, यू कम ओवर टू आर साइड आई प्रोमिस यू कम्प्लीट सेफ्टी, द एम्परर विल मेक यू अ सरदार एंड रिवॉर्ड यू विद अ जागीर। वो बोलता है कि मैंने आपके जैसा तलवारबाज नहीं देखा है और मैं आपको पूरी कम्प्लीटली सेफ्टी दूंगा और हमारे जो एम्परर हैं आपको सरदार बनाएंगे और आपको जागीर से रिवॉर्ड मतलब जागीर देंगे आपको। व्हाट डिड मुरारबाजी से इन रिटर्न, तो फिर मुरारबाजी ने क्या कहा इन रिटर्न। वी आर द लॉयल सर्वेंट्स ऑफ शिवाजी महाराज, हम शिवाजी महाराज के लॉयल सर्वेंट है। हु वॉन्ट्स टू बाय सेफ्टी फ्रॉम यू, कौन आपसे सेफ्टी खरीदना चाहता है। वाई शुड वी कम ओवर टू योर साइड, हम आपके साइड क्यों आएँ। एंड हु वॉन्ट्स योर एम्परर जागीर, और आपके एम्परर का जागीर चाहता कौन है, ऐसा बोलते हैं। गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग इन 3-4 सेंटेंसेज ईच। सो फर्स्ट वन इज़ अपील ऑफ शिवाजी टू मिर्ज़ा राजे जय सिंह। फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं हम कि कितने यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, थर्ड पॉइंट दिए गए हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हेन शिवाजी डिसाइडेड टू मेक पीस विद द मुगल एम्परर, जब उन्होंने सोचा समझौता करना चाहते थे वो शांति बनाए रखने के लिए। सो वो पहले किससे मिलते हैं, मिर्ज़ा राजे जय सिंह से, और वो अपील करते हैं, अपील टू मिर्ज़ा राजे, क्या बोलते हैं, यू आर अ राजपूत एंड कैन अंडरस्टैंड आर सफरिंग। आप मिर्ज़ा राजे जय सिंह जो थे वो राजपूत थे, तो शिवाजी महाराज कहते हैं आप राजपूत हो, आप हमारा जो प्रॉब्लम है हम कैसे प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं आपको पता है। आई हैव अंडरटेकन दिस टास्क ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज सो दैट पीपल मे बी हैप्पी। तो यहाँ पे बोलते हैं मैंने स्वराज एस्टैब्लिश करने का सोचा है ताकि लोग खुश रह सके। इफ़ यू एग्री टू लीड अस, अगर आप सहमत होते हो हमें लीड करने के लिए, माई सेल्फ एंड माई मालवाज विल बी योर ट्रस्टेड फॉलोअर्स, तो मैं और मेरा जो पूरा मालवा है वो आपके ट्रस्टेड फॉलोअर्स बन जाएंगे। एंड दिस वॉज अ वेरी सेंसिबल एंड स्टेटमेंट्स लाइक अपील। ओके, ट्रीटी ऑफ पुरंदर क्या था ये आपको पता है। तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह क्या करता है, शिवाजी को एक ट्रीटी मतलब एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोलता है, ट्रीटी ऑफ पीस, शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है, जो कि किसके साथ में, एम्परर औरंगजेब के साथ। सेकेंड है शिवाजी साइंड द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1665, ठीक है, उन्होंने 1665 में उस ट्रीटी को साइन किया। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ ट्रीटी 23 forts एंड अ टेरिटरी विद अ रेवेन्यू ऑफ 4 lakh हॉर्न्स वर हैंडेड ओवर द एम्परर। ये आपने पढ़ा है 23 किले और 4 lakh हॉर्न्स उसे देना पड़ेगा औरंगजेब को। मिर्ज़ा राजे जय सिंह के बारे में आपको बताना है, सो वो कैसा था, वो कौन था, औरंगजेब की आर्मी का वो जनरल मेंबर था, जनरल था, और उसने क्या किया शिवाजी महाराज से वो साइन करवाया एग्रीमेंट जो कि औरंगज़ेब के साथ में ही। उसने सजेस्ट किया कि हमें मतलब शिवाजी को कहाँ पे मुग़ल एम्परर से मिलना चाहिए औरंगज़ेब से आगरा जाके, और उसने ये गारंटी ली कि शिवाजी महाराज सेफली आगरा से वापस आ जाएंगे, उसने गारंटी भी दी। मुरारबाजी के बारे में आपको लिखना है, आपने अच्छे से आपको पता है उनके बारे में कि वो किलेदार थे पुरंदर फोर्ट के, और वो बहुत ही डिटरमाइंड फाइटर थे, ठीक है, तो ये आपको पता है। फायरी करन बॉल्स मतलब वो मुगल अटैक, हु हेल्ड ऑन द मुगल अटैक ऑफ फायरी करन बॉल्स, ही ओपन द गेट ऑफ द अपर फोर्ट एंड एंटर्ड इनटू अ फियर्स बैटल विद द मुगल आर्मी, ठीक है, उन्होंने गेट खोला ऊपर का फोर्ट का और बहुत ही ज़्यादा लड़ाई लड़ी उन्होंने, फियर्स मतलब बहुत ही भयानक लड़ाई लड़ी, और उन्होंने मना किया था जागीर दिलेर खान, वही हमने पहले देखा ना, उन्होंने
मुगलों से फाइट करते हुए ऑफ़र देता है, लेकिन वो नहीं मानते और रिफ्यूज़ कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन था मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। कोई डाउट है कमेंट पूछे, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी ऐड आए उसे स्किप मत कीजिए, ठीक है। और वीडियो को डाउनलोड मत करिए, वैसे ही देखिए नेट ऑन करके, इससे आपके इस चैनल को थोड़ी ग्रोथ मिलेगी। आपको और कोई वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन का, क्वेश्चन आंसर का, सो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। जो भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पे बना रही हूँ, जो बच्चे जो भी डिमांड करते हैं उस पर मैं वीडियो बनाती हूँ, ओके। सो आपके लिए ये चैनल, सो आप अपने चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, जो मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए, ओके।